कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। मेरे साथ है हरदा के सुरेंद्र जैन जी, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। कैसा लग रहा है नए कांग्रेसी बनकर? अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक राजनेता को जो आनंद आता है, वही आनंद मुझे आज हरदा विधानसभा में मिल रहा है। अवैध शराब की बिक्री, गांजा भांग, एमडी ड्रग की बिक्री, सट्टा जुआ सरेआम चलना और परिवारवाद के अलावा किसी को भी महत्व ना देना, अवैध उत्खनन होना, इन सब के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हरदा विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरी इस आवाज के साथ चल करके अन्याय और अत्याचार और भयमुक्त समाज के लिए काम करने के लिए तैयार है। और वह इस गुंडागिर्दी के खिलाफ, मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ, अवैध उत्खनन के खिलाफ, सट्टे जुए के खिलाफ 17 तारीख के दिन अपने मत का उपयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हजारों वोटों से हारेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब आप बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और एकदम से आपने उसे छोड़ दी, और जो कमल पटेल जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, वो आपके मित्र भी थे, ऐसा? बिल्कुल सही है, कमल पटेल जी मेरे मित्र हैं, बचपन से राजनीति शुरू की है। लेकिन कमल पटेल जी और सुरेंद्र जैन ने सिद्धांत को लेकर राजनीति शुरू की थी। हमारा सिद्धांत था कि हरदा जिले के अंदर जो गुंडागिर्दी थी वो समाप्त करेंगे, हरदा जिले के अंदर सरेआम सट्टा जुआ चलता था उसको बंद करेंगे, हरदा जिले के अंदर उस समय गांजा बहुत बिकता था उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। और जब विगत 2018 के बाद कमल पटेल जी विधायक बने और 2020 में जब मंत्री बने, तो मंत्री बनने के बाद उनने और उनके परिवार ने मिलकर के हरदा जिले को मादक पदार्थों का अड्डा बना दिया। जो एमडी ड्रग बड़े शहरों की वस्तु हुआ करती थी, विदेशियों की वस्तु हुआ करती थी, वह एमडी ड्रग हरदा में 50 लाख रुपए की पकड़ाई है। आप कल्पना करो कि वो एमडी ड्रग हरदा में बिक रही है। दूसरा सट्टा जुआ खुलिया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुआ घर हरदा नगर पालिका सीमा में चला और कमल पटेल और कमल पटेल के परिवारों वालों ने उसको संरक्षण दिया। हरदा जिले के अंदर सबसे बड़ा उत्खनन मां नर्मदा का उत्खनन, गिट्टी का उत्खनन, मुरुम का उत्खनन पूरा पूरा इनके परिवार वालों के पास है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा हरदा जिला भय के साए में जी रहा है, दबाव है, गुंडागिर्दी से डर लग रहा है। उसका मैं प्रमाण देता हूं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप जितने भी देखेंगे उसमें कहीं भी उस भय के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हुए नहीं मिलेगा आपको, न युवा मिलेगा। और तो और मेरा तो ये कहना है कि पत्रकार भी उस भय के खिलाफ कुछ लिखने से और बोलने से डर रहे हैं। लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी चैनल ने आके कम से कम मेरी बात को सुना और जनता तक पहुंचाएंगे। जनता भय के खिलाफ है, जनता गुंडे के खिलाफ है, जनता मादक पदार्थों के खिलाफ है, जनता सट्टे जुए के खिलाफ है। हम लगे हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, यदि बेटी नहीं बचेगी तो बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे? लेकिन हरदा जिले के अंदर हमको लगना पड़ रहा है कि हमारे बेटों को बचाओ। बेटों को इसलिए बचाना कि बेटे यदि गांजा भांग से लग गए, एमडी ड्रग से लग गए, दारू से लग गए, तो अच्छा दूल्हा कहां से लाएंगे हम बेटी के लिए? अच्छा, सिर्फ बेटे ही बेटे, यहां पर जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसका क्या? दुष्कर्म हुआ है, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई है। हम तो हर अन्याय के खिलाफ हैं, चाहे अन्याय करने वाला मेरी पार्टी का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, कोई भी अन्याय करने वाला है उसके खिलाफ सुरेंद्र जैन ने हमेशा आवाज उठाई है। और आज भी उसी अन्याय के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं आया हूं। मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भाजपा के आदर्श जनसंघ के संस्थापक थे, संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने कहा है 1961 के अंदर 11 दिसंबर को, उनकी पॉलिटिकल डायरी है, उसके पेज नंबर 151 पर उन्होंने लिखा है, कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपके मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है, दल के हाईकमान ने पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1961 में कह चुके हैं। यही मैं चाहता हूं कि मतदाता इस प्रत्याशी को, जो पार्टी ने गलत प्रत्याशी दिया, राम के नाम से वोट मांगने वाले पार्टी ने रावण के आचरण करने वालों को प्रत्याशी बना दिया, तो उसका जनता ने, मतदाताओं ने सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए
और हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, हरदा में बदलाव की लहर चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और मैं तो ये कहता हूं कि जब एक परिवारवाद की राजनीति शुरू हो जाती है तो परिवार को परिवार के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है, और उसकी आंखें जो है वो परिवार के चकाचौंध में बंद हो जाती है। तो उसमें मतदाता का कर्तव्य है कि परिवारवाद के खिलाफ जाकर के वोट दे और परिवर्तन करें। यदि कांग्रेस का प्रत्याशी भी भविष्य में कुछ गलती करेगा तो हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो उसका भी सख्ती के साथ विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को न्याय मिले, जनता के ऊपर जो भय का वातावरण है, जो गुंडागिरी का डर है वो समाप्त हो, वो जनता अपना जीवन शांति के साथ निर्वहन करे, यही हमारी। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी आ जाएगी तो ये जो आपने बताया ये कम हो जाएगा? ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और एक बात और है, सुरेंद्र जैन ने गारंटी का प्रमाण पत्र, यदि सुरेंद्र जैन ने डॉक्टर आर के दोगने से माननीय कमलनाथ जी से बात करके जब इस अवैध धंधों के खिलाफ आवाज उठाई है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बनने के 15 दिन के अंदर या तो गुंडे या सामाजिक तत्व हरदा जिला छोड़कर के चले जाएंगे, और नहीं तो उनकी जगह जेल की शिक्षों के पीछे होगी, ये मैं वचन देता हूँ, गारंटी देता हूँ। चलिए, तो यहाँ थे हमारे साथ सुरेंद्र जैन जी, जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छे वचन दिए। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। खुशहाल परिवार, कांग्रेस सरकार। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।